तो जिन्होंने भी किया है ये बहुत गलत काम किया है, तो वीडियो को इतना शेयर करना जिन्होंने किया है वो देखे ये वीडियो और वो समझ आए कितना गलत काम किया है उन्होंने। सो हे फैम, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मैं हूं सुमधुमति चारिया, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा खास और उसके साथ ही बहुत ज्यादा यूनिक भी, और उसके साथ ही आप लोगों के रिक्वेस्ट पे भी, क्योंकि आप सबने मुझे बोला था कि अच्छे अच्छे गाउन सस्ते सस्ते प्राइस में कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है, तो उसी के ऊपर होने वाला आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं बहुत सारा ढेर सारा गाउन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनका प्राइस जितना ज्यादा अफोर्डेबल है वो उतना ही ज्यादा सुंदर और गॉर्जियस है। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और उससे पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि आज का जो वीडियो है इसमें जितना मस्त मस्त गाउन मैं शेयर करूंगी उसका स्टार्टिंग प्राइस है 685 रुपीज। एक्चुअली 685 रुपीज में एक अच्छा टॉप नहीं मिलता, उसमें मुझे मिल गया इतना सुंदर सुंदर हसीन गाउन। वाओ, मतलब समझ सकते हो कितना खास होने वाला है, कितना अफोर्डेबल होने वाला है वीडियो। तो ज्यादा बकबक बिना किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फैम, मैंने सारा गाउन खरीद लिया था, सारा गाउन मेरे पास आ गया है जो कि बहुत भारी पार्सल में आया है, जैसे कि लग रहा है अभी जिम करना स्टार्ट करूंगी मैं। तो बाकी सारा गाउन देख सकते हो यहाँ पे भर दिया गया है और एक आया है ऐसा, तो बिल्कुल सही देखा आप लोगों ने। तो आज का हॉल होने वाला है आजियो हॉल, क्योंकि मैंने देखा आजियो में बहुत सस्ते में बहुत सुंदर सुंदर अफोर्डेबल कपड़े मिल रहा है, और जिसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा मुझे गाउन। तो मुझे लगा आजियो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो गाउन का हॉल भी हो जाएगा और आजियो ट्राई भी करना हो जाएगा, क्योंकि इतने सुंदर गाउन इतने सस्ते में मिल सकता है, मुझे थोड़ा सा डाउट भी लगा। तो मैंने खरीद लिया बहुत सारा गाउन आजियो से। और हाँ फैम, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय आजियो, तो बिल्कुल बेझिझक पूरा वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो, अभी सारा गाउन तो आ गया, अभी देखने की बात ये है जैसा दिखता है वैसा बिकता है या नहीं। तो चलो, पहला पार्सल यही मोटा वाला पार्सल हम ओपन करेंगे, फिर देखेंगे जैसा गाउन मैंने देखा था वैसा ही आया है या नहीं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्सल ओपन कर रही हूँ जो कि बहुत मोटा है, उसके साथ ही पार्सल का बाहर का हालत बहुत गंदा है, बड़ा गंदा है। तो चलो ओपन करते हैं। ओके, तो बहुत सारा इसमें गाउन है, तो एक एक करके मैं गाउन ओपन करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देख लेती हूँ कौन सा पहले ओपन करूंगी। सो इतने सारे प्रिटी प्रिटी गाउन में से मैं सबसे पहले ओपन करूंगी ये वाला गाउन, जो कि पहले से ऑलरेडी फट गया है, देख सकते हो इसका पैकिंग मतलब पैकेजिंग। तो चलो इसको पहले देखती हूँ कि ये कैसा आया है। ओहो, ओहो माय गॉड, इट्स टू प्रिटी यार, देख सकते हो फैम, ये है ऊपर का पोर्शन, लाइक देखो एक बार इसका डिजाइन देखो, इस टाइप का ये गया है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही प्यारा मतलब स्लीव है, जिसके ऊपर से नेट का इतना सुंदर यूनिक एक काम है, जैसे कि ऐसे प्लीट 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 करके ऐसे स्टिच किया गया है, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। और एक साइड का स्लीव देखो फैम, इस टाइप का रफल बना हुआ है जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, और ये जो नेट का मटेरियल है फैम बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और नीचे का पोर्शन देख सकते हो फैम इस टाइप का है, इसमें फ्लेयर बहुत ज्यादा अच्छा है देखो। और फैम इस गाउन में और एक यूनिक चीज है जो देख सकते हो, इस टाइप का देख सकते हो रोज बना हुआ है कपड़े से, और ऐसे देख सकते हो बॉल्स ऐसे ऐड है नेट पे, जो कि सामने के पोर्शन में रहेगा, जब मैं पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को समझ आ जाएगा। और जैसे फैम देख सकते हो साइड में ऐसे जिप है, तो जिप देख लेती हूँ कितनी दूर तक है। सो फैम देख सकते हो जिप का लेंथ काफी ज्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मटेरियल अगर पूछोगे तो अंदर बहुत ही प्यारा सॉफ्ट एक मटेरियल दिया गया है, ऊपर से भी नेट का बहुत सॉफ्ट वर्शन यूज किया गया है, तो ओवरऑल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और फैम ये जो काम वाला पोर्शन अलग से आपको दिखाया, इसका नेट ना थोड़ा सा हार्ड नेट है, पर इसके बाजू में पूरा सॉफ्ट नेट है, मुझे ये डिजाइन बहुत अच्छा लगा। अभी देख लेते चलो साइज क्या है, क्योंकि मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था, तो चलो देखते हैं साइज क्या आया है। तो साइज स्मॉल ही आया है फैम, टैग में देख लिया मैंने, तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी लिखा है कि साइज स्मॉल आया है। सो फैम अभी तो बारी है इस ब्यूटीफुल से गाउन को पहन के देखने की, क्योंकि तब भी आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअल में कितना अच्छा इसका फ्लेयर है, कितना ज्यादा कंफर्टेबल है, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो सबको जानने के लिए चलो जल्दी जल्दी पहन लेती हूँ और बाकी डिटेल्स इसके बाद शेयर करूंगी, तो चलो देख लेते हैं।
अच्छा है फैम, उतना प्यारा इसका डिजाइन है और कलर तो ब्लैक है भाई, मेरा फेवरेट। और कंफर्ट के बात को लेके झूठ नहीं बोलूंगी, ये बिल्कुल 100% कंफर्टेबल है फैम। मतलब इसको पहन के आप कहीं पर भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लाइक इतना ज्यादा कम्फी है। मतलब गाउन इतना कंफर्टेबल नहीं होता भाई। और इसका जो मटेरियल है बिल्कुल चुभ नहीं रहा है, कहीं से कुछ लूज नहीं है, फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आया है। फिर से बता दे रही हूँ, साइज स्मॉल पे मैंने बाय किया है क्योंकि बहुत लोग स्किप करते करते देखते हैं। और इसका प्राइस इतना ज्यादा सस्ता है कि आप लोग बोलोगे कि ये खरीद लिया तो भाई कीप कर ही लो, क्योंकि लुक वाइज, कंफर्ट वाइज, स्टाइल वाइज ये दिखने में इतना सुंदर है, कंफर्टेबल है, इतना लोगों को लगेगा 2-3 हजार तो इसका प्राइस होगा मैक्स टू मैक्स, बट बिल्कुल नहीं फैम। इसका प्राइस है ओनली आप लोग गेस करो, चलो मैं ही बता देती हूँ, ओनली 1095 रुपीज फैम। मतलब ये मेरा फेवरेट है अभी, मतलब बाकी तो ओपन करूंगी, फिर हो सकता है कि दूसरा कोई फेवरेट बन जाए, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा फैम, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और स्पेशली इसका ये डिजाइन कितना प्यारा लगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा गाउन मैंने परचेस किया है, ये तो मैं बिल्कुल स्किप कर रही हूँ, आप लोग होते तो क्या करते कॉमेंट में बताओ, तब तक देख लेते नेक्स्ट क्या परचेस किया मैंने। चलो देख लो, हमारा और एक सुंदर कातिलाना गाउन आ गया है जो कि है ये। वाओ, इसका कलर देखो फैम एक बार, कितना ब्राइट और येलो कलर है, मुझे बहुत पसंद है। चलो जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं सब कुछ सही आया है ना। सॉरी, तो चलो देखते हैं। ओ भाई कितना सुंदर। सो फैम, जितनी गंदगी कैमरा में दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा गंदगी था मतलब गाउन में। क्या बोलूँ फैम, हर एक जगह पे गेंदे फूल का सूखा हुआ पेटल्स था, उसके साथ कुमकुम, हल्दी, बहुत सारी चीज़ें उसमें लगा हुआ था, इतना ज़्यादा चिपचिपा सा था। मैं क्या बोलूँ, मुझे दिखाने में कैसा लग रहा है, किसी ने बहुत जम के इसको पहना है, लाइक दाग धब्बा, मतलब क्या नहीं है फैम इसमें। तो ये सच में बहुत प्यारा एक गाउन है, पर इसमें देख सकते हो फैम पूरे गाउन पे गेंदा का फूल बोलो, डार्क बोलो, सब कुछ लगा हुआ है। इवन देख सकते हो स्लीव्स तक गेंदा का फूल लगा हुआ है, मतलब किसी ने कोई फेस्टिवल बोलो, किसी शादी या फिर कहीं पर भी लिया था ये और बहुत अच्छे से इसको यूज किया फिर वापस कर दिया। ये सारी चीजें बहुत चीप लगता है मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आपको चीज लेना नहीं है, आपको पहनना भी नहीं चाहिए, आपको रिटर्न कर देना चाहिए, ऐसे कैसे कोई कर सकता है भाई, कि लिया एक कपड़ा फिर पहना इतने दिनों से, मतलब देख के लग रहा है पूरा दिन इसको बहुत अच्छे से पहना गया है, फिर जाके इसको रिटर्न कर दिया फैम। सो फैम ये बहुत गलत चीज है, इवन जब मैं ऐसे पकड़ रही हूँ ना, ये बिल्कुल चिपचिपा सा हो गया है, मतलब इसको बहुत अच्छे से एक पूरा दिन बोलो, दो दिन बोलो, बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया है, नहीं तो पूरा मतलब नेट के अंदर अंदर फैम ये गेंदे का फूल, मतलब जो फूल का मतलब पूरा सूख गया है ये फूल, मतलब ऐसे नहीं जा सकता था। और देख सकते हो कितने सारे दाग है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसे छोटे भी, यहाँ पे बहुत सारे दाग है फैम। सो जिसने भी ये हरकत किया, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है, उन तक अगर पहुंच पाए, तो जरूर एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, ऐसा भी किसी का बिजनेस में ऐसा नुकसान नहीं करना चाहिए। एक कपड़ा अगर आपको लेना है भाई ले लो ना, अगर नहीं लेना है तो रिटर्न कर दो, ऐसे कौन करता है भाई, पूरा दिन पहन के पूरा कपड़ा खराब कर लिया। और आजियो को भी मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो लोग खरीद रहे हैं बाकी उनको चेक करके प्लीज भेजिए, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग ऐसे पहन के रिटर्न करते हैं। और फिर रही बात कपड़े की, बहुत अच्छा कपड़ा था पर इसका मटेरियल वगैरह बिल्कुल खराब कर दिया गया है, चिपचिपा कर दिया गया है, बाकी डिजाइन आप लोग देख सकते हो फैम, पर इसको मैं नहीं पहन सकती क्योंकि हो सकते है ब्लैक गाउन भी किसी ने लिया होगा, पहना होगा, पर इसकी हालत ठीक है, ये इतना गंदा हालत में मतलब मेरे पास रिसीव हुआ है, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं पहन पाऊंगी फैम। अदरवाइज देख सकते हो फैम काफी प्यारा डिजाइन है इसका, यहाँ से देख सकते हो इस टाइप का एक दुपट्टा टाइप का ऐसे निकला है, देख सकते हो कितने सारे मतलब गेंदे का फूल का देखो ये है, मतलब पूरा यहाँ पे घुस गया है फैम, देख सकते हो एक स्लीव ऐसे, देख सकते हो स्लीवलेस टाइप का है, ऐसे जो डिजाइन है इस टाइप का ही है पर यहाँ पे रफल है, और दूसरे स्लीव में देख सकते हो नॉर्मल जैसे स्लीव होता है उस टाइप का स्लीव है, और उसके साथ ऐसे रफल है जिसमें गेंदे का फूल भी है साथ में, और ये देख सकते हो फैम इसके साथ इस टाइप का एक दिया गया है, मतलब एक कपड़ा दिया गया है एक्स्ट्रा, जैसे कि होता है ना साड़ी का पल्लू जैसा इस टाइप का दिया गया है, जो कि गाउन में अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो देख सकते हो बहुत अच्छा फ्लेयर है, इवन पहले जैसे जो फ्लेयर मैंने पहन रखा है इससे भी काफी अच्छा फ्लेयर इसका था। और इसके देख सकते हो फैम पूरे, देख सकते हो फ्रंट पे बहुत अच्छी तरीके से काम है, जैसे कि देख पा रहे हो फैम इसमें कोई भी जिप नहीं है फैम, बाकी अदरवाइज बहुत प्यारा है गाउन। और स्मॉल पे ऑर्डर किया था, इसमें कोई टैग भी नहीं है,
और टैग भी नहीं है प्राइस में कोई। तो रही बात इसकी प्राइस की, तो मैं प्राइस आप लोगों को अभी बता देती हूँ। आगे अगर आप लोग देखना चाहते हो कि इसी गाउन को मैं पहन के दिखाऊं तो कमेंट में जरूर बताना, मैं फिर से फ्रेश एक कॉपी ऑर्डर करूंगी, फिर उसको पहन के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो इसका प्राइस है 1304 रुपीज। तो मुझे लग रहा है 1304 रुपीज में ये वाला गाउन, मतलब ये वाला गाउन जो है काफी अच्छा था। तो चलो फैम, हम और आप कुछ नहीं कर सकते इसको लेके, बस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पर हाँ, ये एक चीज तो बता ही सकते हैं कि जिन्होंने भी किया है बहुत गलत किया है। तो चलो देखते हैं आगे कौन सा गाउन परचेस किया है, वो कैसा है। तो नेक्स्ट गाउन है हमारा ये, तो होपफुली ये किसी ने लिया ना हो, मुझे अभी मतलब मीशो वाला डर आ गया भाई आजियो से भी, क्या बोलूं मैं। तो ये है नेक्स्ट गाउन हमारा, जो कि बहुत प्यारा है, मतलब मेरे एक्सप्रेशन भी नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है फिर से यूज ना निकले, पर ये काफी ज्यादा प्यारा एक गाउन है, क्यूट है बहुत। होपफुली ये किसी ने ना लिया हो। कितना प्यारा ब्राइट कलर का एक गाउन है फैम, देख सकते हो ये एक स्लीवलेस गाउन है, और ये भी किसी ने पहना होगा क्योंकि देख सकते हो ये खुला हुआ है ऑलरेडी, तो इसका जिप खुला है, ये साइड में देख सकते हो इस टाइप का जिप यहाँ पे मिल जा रहा है आपको, तो जो कि काफी अच्छा लेंथ है जिसका देख सकते हो। और फैम फ्रंट का काम देख सकते हो फैम, बिल्कुल बहुत अच्छे से, मतलब थ्रेड से काम है, उसके साथ साथ ये सब कटिंग करके लगाया गया है, काफी प्यारा काम है, पर जो कि लग रहा है देखो खुल जाएगा इस टाइप का लग रहा है, मतलब काम बहुत प्यारा है पर कभी भी खुल सकता है, स्टिच उतना ज्यादा पक्का नहीं है, इन सबका स्टिच बहुत ही पतला स्टिच है, तो मुझे काम उतना ज्यादा खास नहीं जमा फैम। और फैम रही बात डिजाइन का, तो फ्रंट पोर्शन में देख सकते हो इतना दूर तक बिल्कुल सॉलिड मटेरियल है, और फिर नेट का मटेरियल है, नेट के ऊपर भी इस टाइप का काम देख सकते हो है, और पीछे का पोर्शन देख सकते हो फैम वी है, बिल्कुल वी शेप का है पीछे का पोर्शन, और पीछे का पोर्शन देख सकते हो इतना दूर तक ऐसे सॉलिड मटेरियल है, और फिर पूरा नेट है देख सकते हो, काफी प्यारा डिजाइन है, सब कुछ ठीक है। नेट का मटेरियल फैम बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, ये नेट और ये नेट बहुत डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है फैम। बाकी फ्लेयर देख सकते हो काफी सही है, फ्लेयर बहुत अच्छा है, और अंदर का जो मटेरियल है फैम देख लेते हो उसका फ्लेयर कितना क्या है, इसका फ्लेयर भी ठीक ठाक है देख सकते हो, इतना फ्लेयर है काफी है, ठीक ठाक है, और मटेरियल इसका काफी अच्छा सॉफ्ट है बिल्कुल, पर इसका नेट उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। कमर के साइड में देख सकते हो इस टाइप का एक बॉर्डर बना हुआ है, जो कि एक लेयर दो लेयर ऐसे लेयर टाइप का बना हुआ है देख सकते हो, एक दो तीन चार, मतलब छोटे छोटे से बॉर्डर टाइप का बना हुआ है, और पीछे के पोर्शन में जैसे वी शेप है उसके साथ ही देख सकते हो फैम इस टाइप का एक हुक टाइप का है, तो फैम ये हुक लगा लेने के बाद ये वी शेप नहीं रहेगा, फिर इस टाइप का एक शेप आ जाएगा, बाकी तो पहनने के बाद समझ आएगा कैसा क्या है। तो चलो जल्दी इसको पहन के देख लेते हो, पर उससे पहले बताना चाहती हूँ इसका साइज स्मॉल ही आया है, मैंने स्मॉल ही ऑर्डर किया था। तो चलो फैम साइज वाइज सब कुछ ठीक आया है, देख के यूज्ड भी नहीं लग रहा है, तो इसको पहन के देख लेती हूँ कैसी लग रही हूँ, इसको पहनने के बाद कितना कंफर्टेबल है, आप लोग ले सकते हो या नहीं, तो चलो देख लेते पहन के। अंदर का जो इनर का फ्लेयर है ब्लैक से मुझे थोड़ा सा कम लगा इसका। और फैम इस गाउन का जो मुझे फॉल्ट लगा वो है पीछे का जो हुक है फैम, वो हुक जिसके अंदर से जाएगा उसका कोई स्ट्रेच नहीं है, मतलब स्ट्रेचेबल मटेरियल नहीं है, ये वाला नेट से बना हुआ है और ये वाला नेट बिल्कुल स्ट्रेचेबल नहीं है देख सकते हो, बिल्कुल मैंने बोला ही पहले कि बहुत ज्यादा नरम वाला नेट नहीं है देख सकते हो, ये बिल्कुल स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो इस नेट का है तो इसी वजह से वो हुक नहीं जा रहा है, इसलिए पूरा पीठ खुला हुआ है, हुक लगा ही नहीं पाई मैं, तो मैं तो ऑब्वियसली इसको रिटर्न करूंगी भाई, बट ऑब्वियसली इसको पहन के कोई पार्टी अटेंड करके या फिर कोई त्योहार मना के नहीं, कल ही रिटर्न कर दूंगी, मतलब आज ही रात को ही रिटर्न कर दूंगी।
अभी तो रात ही हो गया है, जो भी वो आज ही रिटर्न कर दूंगी, कल लेके जाएगा भाई, तो ऐसा ही करना चाहिए मुझे लगता है। और एक चीज जो मैंने आजियो भैया में अभी देखा है मीशो बहन के बाद, जो है फैम इस कपड़े में भी कोई प्राइस टैग नहीं था, तो ऑब्वियसली ये भी किसी ने यूज किया है, तो यूज किया है कपड़ा पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो बाकी क्या ही कर सकते, इसका भी प्राइस बता दीजिए। इसका प्राइस है 1504 रुपीज, जो कि मुझे लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा है। ये 1100-1200 रुपए में ठीक था, 300-400 रुपए एक्स्ट्रा लिया है मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ आप लोगों को क्या लगता है, और तब तक देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा गाउन मैंने परचेस किया है। तो चलो देख लो। सो नेक्स्ट मैं ओपन करूंगी ये सिंगल पार्सल, तो चलो जल्दी जल्दी ओपन करते हैं। आजियो और मीशो में कोई डिफरेंस नहीं है फिर, मुझे इतना समझ आया, दोनों में प्रोडक्ट अच्छा मिलता है पर किसी का यूज। चलो देखते हैं क्या आया है इसमें। ये काफी प्यारा एक गाउन है, देख सकते हो काफी क्यूट सा गाउन है। इसका फ्रंट पोर्शन देख सकते हो, फिर इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, और हल्का प्लीटेड है सामने का पोर्शन, काफी प्यारा लग रहा है। और फिर साइड से देख सकते हो इस टाइप का जिप बना हुआ है, जो कि इधर से नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे स्टिच है, फिर नीचे की तरफ काफी लेंथ है देखो जिप का। और देख सकते हो फैम इसका फ्लेयर भी काफी ठीक ठाक है भाई, काफी ठीक ठाक है। और फैम इसका जो इनर का मटेरियल है काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब बिल्कुल भी मतलब चुभेगा नहीं, काफी अच्छा मटेरियल है, काफी सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके ऊपर से जो सिंथेटिक मटेरियल है फैम, ये बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो सिंथेटिक होता है वही मटेरियल है, काफी प्यारा है। और ये मैंने साइज स्मॉल पे ऑर्डर किया था, तो देखती हूँ कौन से साइज पे आया है, स्मॉल ही आया है देखो। तो चलो जल्दी जल्दी पहन के देख लेते हैं। उससे पहले एक ही चीज बताना चाहती हूँ, एटलीस्ट ये देख के लग नहीं रहा है कि किसी ने ये लिया था या फिर पहना हुआ है, जो कि मुझे अच्छा लगा। तो चलो देख लेते हैं इसको पहनने पे कैसी लगती हूँ मैं, चलो देख लो। काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, पर एक ब्रालेट पहनना पड़ेगा, नहीं तो ये जो मतलब गले का पोर्शन है ना, ये बार बार इधर खिसक जा रहा है, तो दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। मेरी तरह अगर आप हो आपको भी दिक्कत होगा, बाकी जो लोग मतलब कोई भी फैशन कैरी कर सकते हैं आसानी से, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ थोड़ा सा, इसीलिए ऐसे ऐसे कर रही हूँ। तो कोई ना, तो बाकी सबका अलग अलग फैशन सेंस होता है। और बाकी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी प्यारा है, साइज भी बिल्कुल सही आया है, स्लीवलेस है, बहुत कंफर्टेबल है, गर्मी के लिए बिल्कुल मस्त है। और फ्लेयर थोड़ा सा कम है, इस टाइप के गाउन में फ्लेयर कम ही होता है, पर बहुत ही क्यूट एक लुक मिल रहा है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और फिर इसका प्राइस इतना सस्ता है, आप लोग बोलोगे तो ठीक है भाई, ये तो काफी प्यारा है, क्योंकि इसका प्राइस है ओनली 685 रुपीज, तो मैं इसको डेफिनेटली गिफ्ट करने वाली हूँ। तो चलो फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा गाउन मैंने परचेस किया है, और वो क्या अच्छा आया है या फिर से यूज्ड कोई गाउन आ गया है, तो चलो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं ओपन करूंगी ये वाला गाउन, जो कि बहुत ही प्यारा है, ब्लैक कलर का गाउन। ओह माय गॉड, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है, प्लीज भगवान यूज्ड ना हो, यूज्ड ना, ओ भाई हाँ ये यूज्ड नहीं है, इसमें देख सकते हो प्रॉपर टैग है फैम। सो फैम इसका फ्रंट पोर्शन का काम देखो, कितना हेवी वर्क है और कितना प्यारा वर्क है, और बिल्कुल देख सकते हो फैम सबका स्टिच वगैरह बिल्कुल सही है, मतलब कोई भी काम खुल के ऐसे गिर नहीं जाएगा, जबकि पिछले वाले गाउन में मतलब इससे पहले वाले गाउन में देख सकते थे कि स्टिच बहुत ही लूज था, मैंने बोला ही था आप लोगों को। तो इसका देख सकते हो फैम स्लीव्स में देख सकते हो सॉलिड एक मटेरियल यूज किया गया है, उसके ऊपर से नेट का मटेरियल भी यूज किया गया है, बहुत ही प्यारा एक डिजाइन है। पीछे से देख सकते हो फैम इसका ऐसे जिप है, जो कि अच्छा लगता है मुझे काफी ज्यादा, और इसका फ्लेयर तो काफी काफी ज्यादा अच्छा है, देख सकते हो कितना सुंदर फ्लेयर है इसका, बहुत अच्छा फ्लेयर है इसका। और फैम इसके इनर का फ्लेयर भी काफी ठीक ठाक है, और मटेरियल काफी प्यारा है, और इसका नेट भी फैम काफी ज्यादा सॉफ्ट नेट है, जैसे कि पहले वाला ब्लैक था उस टाइप का नेट है। और इसका जिप देख लेती हूँ फैम कितना दूर तक आता है, तो इसका जिप का लेंथ भी काफी सही है फैम, साइज स्मॉल पे ऑर्डर किया था, स्मॉल पे ही आया है। सो चलो फैम बाकी जो इसको पहनने के बाद समझ आएगा कि कैसा क्या फिट हो रहा है, कितना प्राइस लिया है, प्राइस क्या सही लिया है, ये आप लोग ले सकते हो या नहीं, सब कुछ जानने के लिए चलो इसको जल्दी जल्दी पहन लेती हूँ, चलो पहन लेते।
काफी प्यारा था, लुक वाइज भी काफी सही था, पर इनर का जो फ्लेयर है उतना ज्यादा खास नहीं था। बाकी मुझे बैक डिजाइन एंड फ्रंट का जो ये वाला कट, ये वाला जो डिजाइन है ना, काफी ज्यादा अच्छा लगा। कंफर्टेबल बिल्कुल है, 10/10 एक प्रोडक्ट है, मुझे काफी अच्छा लगा। ब्लैक के ऊपर जो इतना मल्टी कलर का काम है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं इसको कीप करने वाली हूँ फैम बिल्कुल। तो बता दीजिए इसका प्राइस कितना है, तो आप लोग गेस करो इसका प्राइस कितना हो सकता है। तो चलो मैं ही बता देती हूँ, इसका प्राइस है ओनली 1600 रुपए। क्यों ओनली बोल रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल यूज नहीं लगा, टैग है इसमें और बहुत प्यारा है, कंफर्टेबल है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये, इसीलिए मैंने ओनली बोला। बाकी आप लोग बताओ इसका प्राइस आप लोगों को क्या लगता है, ज्यादा है या फिर नहीं, कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ फैम। तब तक एक ही चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ये जो यूज क्लॉथ बेच रहे है कोई भी ऐप, ये जैसे सही नहीं है, वैसे कोई क्लॉथ यूज करके रिटर्न करना भी सही नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कमेंट में जरूर बताना, और कौन सा गाउन आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी बताओ। आगे कौन से ऐप के ऊपर या फिर कौन से प्रोडक्ट के ऊपर या फिर कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो भी बताओ। मिलते हो बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ, और सारे डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और वो वाला गाउन मतलब योलो वाला गाउन रिटर्न हुआ या नहीं उसके ऊपर भी वीडियो आएगा, अगर रिटर्न हो जाए तो वीडियो नहीं आएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो जरूर आएगा। तो स्टे ट्यून्ड, और उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलती हूँ बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ रहना, आई लव यू ऑल, टाटा बाय।